नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो हम यहाँ पे टाटा सफारी के बारे में बात करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली डिटेल में बात करेंगे सभी कुछ को लेके, एंड ऑल्सो ये देखेंगे कि हैरियर इसमें कितना डिफरेंस आपको मिल जाता है। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आप एंड तक देखिए, आपको सभी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएंगी। एंड आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट जब भी मैं फ्यूचर में आपके लिए लाऊं आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो यहाँ पे अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करूँगा पुनीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, वो इसीलिए अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं या सफारी, हैरियर, एनी ऑफ द कार, तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई भी ऑफर्स एप्लीकेबल होते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे अगर आप मुंबई, नवी मुंबई या थाने से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गाड़ी के बारे में बात करूँ तो वही ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे बनी है जो कि लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड है, जस्ट लाइक द हैरियर। फ्रंट से बात करें तो आपको DRLs मिल जाएंगी वाइट कलर में, वो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं। नीचे की तरफ आपको हेडलैम्प की यूनिट मिल जाएगी जो कि HID Xenon में आती है। लो बीम वाइट कलर में है इसका प्रोजेक्टर, एंड इसका हाई बीम जो है वो आपको येलोइश कलर में मिलेगा, उसके अराउंड क्रोम है। नीचे फॉग लैम्प है, जस्ट कन्वेंशनल फॉग लैम्प आपको मिल जाता है हैलोजन में। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी लाइन मिल जाती है एज टाटा मोटर्स से ग्रिल के जस्ट नीचे, जो लेफ्ट DRL से राइट DRL कनेक्ट करती है। ग्रिल में आपको ट्राई एरो पैटर्न मिल जाता है विद क्रोम, अच्छा लग रहा है, ये चीज़ अलग है। नीचे की तरफ स्किट प्लेट्स आपको मिल जाएगी और इसकी लोअर ग्रिल जो है काइंड ऑफ हनीकॉम मेश ग्रिल आपको मिल जाती है। बड़ा सा एयर डैम यहाँ पे आपको मिल जाता है टू कीप द कार कूल। यहाँ पे आपको ब्लैक इंसर्ट मिल जाती है लोअर बम्पर में जो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो गाइज, यहाँ पे जो डिफरेंस है हैरियर से वो एक ग्रिल का पार्ट है, देन हेडलैम्प में जो आपको क्रोम की फिनिश मिल रही है वो चीज़। सो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ ओवरऑल देखने में इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। गाड़ी बहुत ही मस्कुलर है, जस्ट लाइक द हैरियर। भाई अब अगर इंजन की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हुड बहुत भारी है। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रायोटेक का 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज BS6 डीजल इंजन। यस, सेम हैरियर जैसा आपको 170 PS एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क ये इंजन आउटपुट देगा। ऊपर इंसुलेशन मिल जाती है आपको, यहाँ पे बहुत ही अच्छी कवरिंग मिल जाती है टू डिक्रीज द इंजन नॉइज इन टू द कैबिन। सो सेम हैरियर का इंजन यहीं पे आपको दिया जाता है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द इंजन। अब यहाँ पे दोस्तों साइड में आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी डिफरेंस आपको अभी देखने में पता नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील क्लैडिंग तो आपको मिलती ही है, ह्यूज व्हील आर्चेस हैं जो गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर बना रहे हैं। अब यह टायर साइज की बात करूँ तो हैरियर में आपको 17 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको 18 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। आगे सस्पेंशन आपको इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्टार्ट विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार आपको मिल जाता है। सो ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आती है सफारी। यहाँ पे आपको ORVMs मिल जाते हैं, आपको टर्न इंडिकेटर्स LED में मिल जाएंगे, उसी पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है। ऊपर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो पैसिव रिक्वेस्ट बटन आपको ड्राइवर साइड एज वेल एज आपको पैसेंजर साइड पे मिल जाता है, एंड उस पर क्रोम का वर्क दिया है जो गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम बना रहा है। इवन विंडो लाइन जो है उसमें आपको क्रोम का वर्क मिल जाएगा। बी पिलर आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेंगे, नॉट इन मैट ब्लैक। देन यहाँ पे आपको रेयर प्रोफाइल टायर अगेन 18 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स। देन यहाँ पे आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पैन हार्ड रॉड एंड कॉइल स्प्रिंग आपको सस्पेंशन सेटअप रेयर में मिल जाएगा। गाइज आप इस गाड़ी के डायमेंशंस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वो एट द लॉन्च पता चल जाएगा। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, फंक्शनल है, सफारी की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड ऑल्सो आपको ये चीज़ जो है, ये बड़ा वाला पार्ट, ये पुरानी सफारी से इंस्पायर्ड है जो अच्छा लगता है। देन आपको ट्विन LED टेल लैम्प्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं हैरियर में, हालांकि आपको सिंगल LED टेल लैम्प मिलता है। ये चीज़ आपको जो दो स्ट्राइप्स दिख रही हैं ये सफारी में मिल जाती है आपको। एंड इसका यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। देन नीचे सफारी की स्प्रेड आउट ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे रेयर वॉशिंग वाइपर, रेयर डिफॉगर्स आपको मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो आपको हाई स्टॉप माउंट क्लैम्प एज वेल एज रेयर वॉशर ऊपर की तरफ मिलेगा इंटीग्रेटेड स्पॉयलर में। ये कुछ ब्रांडिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शेर बने हुए हैं जो टाटा मोटर्स को सिग्नेचर दिया जाता है। देन यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे इसका रेयर प्रोफाइल,
ये फ्लैट है, ये हैरियर की तरह मस्कुलर नहीं है, तो ये चीज़ को अलग किया गया है। एंड इसका जो लेफ्ट टेल लैम्प है वो राइट टेल लैम्प से कनेक्ट होता है एक ब्लैक पियानो फिनिश बार से, उसी में टाटा की ब्रांडिंग आ जाती है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे पीछे की तरफ यहाँ पे, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको इसमें सिल्वर की प्लेटिंग मिल जाएगी ऑन द लोअर बम्पर। ये कुछ फेक एग्जॉस्ट टिप्स यहाँ हैं जो डिज़ाइन वाइज अच्छी लगती हैं, एंड पीछे भी आपको इसमें रेयर स्किड प्लेट्स ऑफर की जाती हैं। रिफ्लेक्टर्स भी आपको लोअर बम्पर में मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इसका जो रेयर प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा लगता है, एंड ऑल्सो ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। हालांकि हैरियर का ज़्यादा स्पोर्टी लगता है बिकॉज वो मस्कुलर ज़्यादा है। अब ये चीज़ हैवी है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे बूट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अच्छी इंसुलेशन ग्रैब हैंडल बार यहाँ पे मिल जाता है आपको इन केस अंदर से आप बंद करते हैं। सो बूट की बात कर लेते हैं, तीनों की तीनों रो अप हैं अभी। सो जैसे कि यहाँ लास्ट रो 50-50 स्प्लिट है, देन बीच वाली रो आपको 60-40 मिल जाती है। सो यहाँ पे अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं जो लास्ट रो है, तो आपको 447 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ मिलेगा। अगर आप सेकेंड रो भी फोल्ड कर देते हैं तो आपको इसमें 910 लीटर्स का बूट स्पेस ओवरऑल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। बट जब तीनों रो ऊपर रहती है तो आपको एक बहुत ही मिनिमल बूट स्पेस मिलता है। ये लिवर है, आप इससे इस सीट को लोअर डाउन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है, यस यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है, एवरीथिंग जैक एंड एवरीथिंग यहीं पे है। देन ऑन द यहाँ पे देखेंगे आप, देन ऑन द राइट साइड यहाँ पर आपको DEF टैंक मिल जाता है जो 15 लीटर का है, सो आप वहाँ से इसको भर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग फ्यूल टैंक मैं आपको बता देता हूँ, रुके तो यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है। अभी गाड़ी की बैटरी रिमूव करके रखिए बिकॉज सब लोग आते हैं तो बैटरी ड्रेन हो जाती है। सो यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की तरफ। अब स्पेयर व्हील इसमें 16 इंच का है, यस आपको स्टेनलेस स्टील व्हील मिलता है 16 इंच का सफारी में। देन यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है जो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देता है, सो आपको यहाँ पे मिल जाती है ये चीज़। एंड ऑल्सो ये इसका अगेन रेयर प्रोफाइल टायर। सो दूसरा साइड बिल्कुल सेम है, पैसिव रिक्वेस्ट बटन ये साइड पे भी है, ड्राइवर साइड पे एंड ऑल। सो गाइज ये सफारी के एक्सटीरियर के बारे में था। अब आइए यहाँ पे अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ आपको टाटा सफारी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको 6 वेरियंट्स में ऑफर की जाएगी, आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी 6 एंड 7 सीटर। 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो XZ प्लस एंड XZA प्लस में दिया जाएगा, एंड 7 सीटर आपको सभी वेरियंट्स में ऑफर किया जाएगा। रिगार्डिंग द टायर, आपको जो स्टेनलेस स्टील व्हील मिलेंगे वो इन वेरियंट्स में ऑफर किए जाएंगे, एंड इससे ऊपर सारे वेरियंट्स में आपको 18 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। सो ये था रिगार्डिंग दिस कार। सो ये था ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में एंड एवरीथिंग मैंने जो आपको बताया। एंड ऑल्सो आप इसको नज़दीकी डीलरशिप में जाके इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। इसका बुकिंग अमाउंट की बात करूँ तो 30,000 रुपये इसका बुकिंग अमाउंट है, नज़दीकी डीलरशिप में आप जाके इसको बुक कर सकते हैं। सो अब इंटीरियर की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे डोर ओपन किया, देखिए कितना मोटा ये दरवाज़ा है, डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी यहाँ दिखती है। देन यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें इसके ओवरऑल इंटीरियर की, सो यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में डोर हैंडल बार, देन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप लेदर फिनिश ग्रैब हैंडल बार मिल जाएगा, उसके पीछे जो हाउसिंग है वो आपको पियानो फिनिश में मिलेगी, सिल्वर बोल सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर नीचे मिल जाएगा, 1 लीटर बॉटल स्टोरेज। ये स्पीकर सिस्टम है, 9 स्पीकर सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिलते हैं JBL की तरफ से। इंटीरियर थीम की बात करूँ तो ऑयस्टर वाइट में आपको यहाँ पे थीम मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होता है, जबकि हैरियर में आपको ओक ब्राउन मिलता था। वो गाड़ी को ज़्यादा स्पोर्टी रखा गया था, परफॉर्मेंस वाइज उसको थीम दिया गया था, बट यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस डेफिनेटली दिखती है। एंड इस लाइट कलर की वजह से काफ़ी स्पेशियस फील होती है गाड़ी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको ऑन द ड्राइवर साइड मिल जाती है, एंड ऑन द पैसेंजर साइड आपको वही 8-way मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाती है। सो यहाँ पे इंटीरियर की बात करते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं कितना हमें क्या क्या अलग मिल जाता है इस गाड़ी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अब यहाँ पे जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ, ऑब्वियसली द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, सेम हैरियर की सीट्स हैं, बस कलर अलग है, मैंने बताया ओक ब्राउन वहाँ पे, यहाँ पे आपको ऑयस्टर वाइट मिल जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे, ये टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, यस
रेक एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है, विच इज़ रियली गुड पार्ट। देन यहाँ पे आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, कंट्रोल्स के साथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलता है। कुछ ऐसा इसका हॉर्न था, टाटा की ब्रांडिंग बीच में क्रोम में है। ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल एंड आपको MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल मैनर में हर चीज़ अरेंज है यहाँ। एर्गोनॉमिकली डिजाइन स्टेयरिंग व्हील है, अच्छा लग रहा है। देन यहाँ लेफ्ट में आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल्स राइट साइड में एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं आपको। देन यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सॉरी, सो आपको राइट में एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा बट ऑन द लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है यहाँ पे डिजिटल एक स्क्रीन मिल जाता है जहाँ पे आपको बहुत सी सेटिंग्स दिखाएगा। आई मीन एवरीथिंग इसी में आपको दिखाएगा। अभी गाड़ी की बैटरी लो है गाइस, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ व्हाट ऑल सेटिंग्स, बट एक्यूमुलेटेड इन्फो ड्राइवर सेटिंग्स एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे शो करेगा। देन यहाँ पे अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है डैशबोर्ड पे जो एंटी रिफ्लेक्टिव है। आई मीन ड्राइविंग के टाइम पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। JBL की ट्विटर्स की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं आगे। देन यहाँ पे अगर इंफोटेनमेंट रिगार्डिंग बात करूँ तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये। एंड आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB कंपैटिबिलिटी, AUX कंपैटिबिलिटी, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी जैसे फीचर्स आपको ये गाड़ी में मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इसका जो टच है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है उसका। टाइम का बहुत ही माइन्यूट सा लैग होता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। देन यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस के लिए बटन मिल जाते हैं, ये चीज़ अच्छी है। ड्राइवर को अगर नहीं चलाना टच स्क्रीन से तो वो इससे भी चला सकता है, विच इज़ रियली गुड पार्ट। देन नीचे की तरफ AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ वुड फिनिश मिल जाता है एंड ये साइड पे भी आपको मिल जाता है, तो अच्छा लगता है ये चीज़। AC वेंट्स के अराउंड आपको एल्यूमिनियम फिनिश मिलता है, ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ मिल जाएगा ऑन द राइट साइड, उसके अराउंड क्रोम मिल जाता है थोड़ा बहुत। नीचे की तरफ आपको ह्यूमैनिटी लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगी जो ग्रिल में आपको मिल रही थी, सो ये चीज़ यहाँ दी गई है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे। इसकी जो क्वालिटी है बटन की, ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है डेफिनेटली। मुझे नहीं पता हैरियर में सेम है कि नहीं, बट यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम फील हो रहा है ऑब्वियसली। देन यहाँ नीचे की तरफ आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, अलॉन्ग विद दैट आपको USB पोर्ट एंड AUX पोर्ट मिल जाएगा। सो मोबाइल फोन्स, वॉलेट, हैंडी चीज़ें आप वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डायल मिल जाता है टेरिन चूज करने के लिए, स्नो, सैंड एंड आपको मिल जाती है चीज़ें। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन राइट में है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन आपको लेफ्ट में मिल जाता है। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, इवन मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी ऑफर की जाती है, सो वो चीज़ भी इसमें आपको मिल जाती है। सो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है, अराउंड इसके गियर नॉब के भी आपको सिल्वर इंसर्ट का वर्क है, इवन यहाँ सेंटर कंसोल में भी आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें दिया जाता है जो कि एक बहुत ही प्रीमियम फीचर एड ऑन किया है सफारी में। सो यहाँ पे ऑटो होल्ड एंड एवरीथिंग आपको दिया जाता है, एंड जब भी आप गाड़ी बंद करेंगे अपने आप गाड़ी का इलेक्ट्रिक ब्रेक लग जाता है। 2 कप होल्डर्स विद 1 कैन होल्डर आप मिल जाता है यहाँ पे। एंड ऑल्सो जो इसका आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग नहीं है, बट अंडर दैट आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट प्लस 2 USB पोर्ट जो कि आपको डिसेंट इनफ स्पीड पे मोबाइल चार्ज करेगा। एंड आपको कूल ग्लव कंपार्टमेंट मिल जाता है नीचे की तरफ। सॉफ्ट टच है इसका जो ये आर्मरेस्ट है ऊपर, यहाँ पे काम दिया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। सो ओवरऑल जो कैबिन है उसमें ऑब्वियसली आपको स्लश एंड रिच फील होगा। सनवाइजर्स में कोई ड्राइवर साइड पे टोल्ड रिसिप्ट होल्डर नहीं है। ऊपर कैबिन लाइट्स आपको LED मिलती हैं इसमें। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ की कितनी वाइड इसकी सनरूफ है। सो यहाँ पे सन ब्लाइंडर के लिए एक कंट्रोल है, देन आपको ऊपर की तरफ सनरूफ करना है एंड पूरा स्लाइड करने के लिए 3rd बटन है। अंडर द सनवाइजर पैसेंजर साइड पे आपको वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट दी जाती है। यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल बार सॉफ्ट टच के साथ, ये IRVM है जो ऑटो डिमिंग आपको इसमें मिल जाता है। सो गाइज ओवरऑल इसका जो कैबिन है बहुत स्पेशियस है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट सेम एज हैरियर है, बिल्कुल भी उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस उसमें है नहीं। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट ये गाड़ी मिलता है इसमें आपको। सो ये था ओवरऑल फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। अब चलते हैं रेयर कैबिन चेकआउट करते हैं, कितना कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हमें मिल जाता है, एंड इवन लास्ट रो को चेकआउट करते हैं। सो
गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको बी पिलर में दिखाना भूल गया था, ये ग्लॉस में ही है, आपको मिलता है, कोई मैट फिनिश नहीं है। सो यहाँ पे JBL की ट्विटर्स की ब्रांडिंग देख सकते हैं, वही लेदर फिनिश में। यहाँ पे हैंडल बार है, सॉफ्ट टच मटेरियल ऑन द आर्मरेस्ट, हैंडल बार आपको मिल जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में। यहाँ मोबाइल ट्रे मिल जाती है नीचे, 1 लीटर पॉड स्टोरेज एंड स्पीकर सिस्टम मिल जाता है आपको यहाँ पे। देन नीचे की तरफ गाइज आपको यहाँ पे वाटर पेडिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, विच इज़ रियली गुड। हैरियर से ही आई है ये चीज़, सेम उसमें भी है। सीट्स मिडल रो 60-40 स्प्लिट है। अब आप अगर 6 सीटर लेते हैं तो आपको बीच में 2 कैप्टन सीट्स मिलेंगी जो ज़्यादा लग्जरी देती हैं आपको। सो यहाँ पे आपको ये वाली सीट्स जो हैं ये फोल्ड हो जाती है 60 या 40, ऑब्वियसली ये स्लाइड भी हो जाती हैं, प्लस ये रिक्लाइन भी हो जाती हैं। तो आप अपना जो यू नो लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव के टाइम आप अपनी सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब लास्ट रो में ज़्यादा नी रूम चाहिए तो आप इनको आगे स्लाइड भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड ऑयस्टर वाइट की वजह से कैबिन बहुत स्पेशियस दिखता है गाइज, 3 लोग आराम से लॉन्ग ट्रिप के लिए इस गाड़ी में जा पाएंगे। सो यहाँ से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, देखिए कितना आगे तक स्लाइड कर पाएंगे उतना मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब ये छोटा सा डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है पीछे, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सो गाइज जैसे कि मैं अंदर बैठ चुका हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीट पॉकेट्स मिल जाएंगी। अब आगे वाली जो सीट है वो मीडियम तक है, फिर देखिए मेरे पास कितना नी रूम यहाँ पे मिल जाता है मुझे। और अगर मैं इसे पूरा पीछे ले लूँ, देखिए सॉरी मैंने अब आगे लिया है, पहले पीछे था, तो अच्छा नी रूम मुझे फिर भी मिलता है सीट पॉकेट्स दोनों साइड पे। गाइज ये लॉम्बार्ड सपोर्ट आपको ड्राइवर साइड पे मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड फीचर यहाँ पे। सो काफ़ी कंफर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये वाला जो है पैसेंजर साइड पे, ये बॉस मोड है गाड़ी, टाटा की तरफ से सफारी में आपको एक बॉस मोड मिलता है, वो लिवर आप पुल करेंगे तो आगे वाली सीट को पूरा आप आगे कर सकते हैं। सो इंक्रीज इन लेग रूम आप देखिए कितना मुझे नी रूम तो बाप रे, और जो मुझे लेग रूम यहाँ पे मिलता है, आई मीन दैट इज ह्यूज। सो इसी लिवर से आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू नो यू कैन बी कंफर्टेबल। सो अगर आप सिंगल जा रहे हैं ये साइड पे तो देखिए कितना नी रूम एंड लेग रूम है। यहाँ पे ऊपर रीडिंग लैंप है, कोट हुक विद द रिट्रैक्टेबल हैंडल बार्स आपको दोनों साइड पे मिलते हैं, एंड यहाँ पे आपको कभी स्पेस मिल जाता है, मोबाइल फोन आप रख सकते हैं। अब गाइस 2 USB पोर्ट आर्मरेस्ट में तो थे, यहाँ पे अलग 2 USB पोर्ट है, दैट मीन्स ये 2 आर्मरेस्ट में आपको जो 2 मिल रहे हैं 4 और आगे 5 मिल रहा है आपको। सो इतने ज्यादा USB पोर्ट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, ये इसका आर्मरेस्ट यहाँ मिल जाता है रेयर पैसेंजर के लिए 2 कप होल्डर्स के साथ। सो काफी प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंस फीचर वाइज वेरी गुड, इम्प्रेस्ड रियली। सो ये था रिगार्डिंग द मिडिल रो, एंड इवन बी पिलर्स पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे फॉर द मिडिल पैसेंजर। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको नहीं मिलती यहाँ पे। देन अब बात कर लेते हैं लास्ट रो के बारे में, कितना स्पेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 साइड जो स्प्लिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप सिंपली वो जो ये आगे टबल हो जाती है पूरी सीट, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक लिवर मिलता है पीछे की तरफ, आपको इसको सिंपली ऐसे, एक मिनट मैं आपको पहले तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ इसकी जो लास्ट रो है उनको फोल्ड करके, अभी जस्ट कोई बैठा है तो मैं एकदम से नहीं दिखा सकता। सो यस मैं आपको लास्ट रो की सीट्स दिखा देता हूँ गाइस, कैसे वो फोल्ड डाउन होती हैं। इंक्रीज इन बूट स्पेस आप कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपको 447 लीटर्स का बूट स्पेस जनरेट हो जाएगा। देखिए एकदम फ्लैट हो जाता है, तो आप सिंपली सामान कितना ज़्यादा इसमें लोड कर पाएंगे। अब वो आगे वाली सीट थोड़ी रिक्लाइन है पीछे, इसीलिए वो पूरी नीचे नहीं गई, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड पे। सो ये चीज़ ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, आई मीन मैं एकदम फ्लैट भी नहीं बोलूँगा, पर हो जाती है अच्छी खासी फ्लैट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द थर्ड रो। अब बात कर लेते हैं आगे चल के इसकी सेकेंड रो के बारे में, एंड थर्ड रो में बैठ के भी देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, यस तो गाइज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे एक लिवर मिलता है, आप उसको पुल कीजिए तो आपकी पूरी सीट जो है वो यहाँ पे हो जाएगी पूरी आगे की तरफ, तो आप एक्सेस कर सकते हैं अंदर लास्ट रो के लिए। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या स्पेस हमें लास्ट रो में मिल जाता है। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैं अंदर बैठ गया हूँ, यस अब ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रैप देना चाहिए था जिसकी वजह से ईजी हो जाता, बट नेवर माइंड, जस्ट अ सेकेंड।
सो भाई अब यहाँ पे देखिए ये सीट पूरी पीछे ले ली। अब ये रिक्लाइंड भी है इसलिए मेरे पास नी रूम नहीं है, बट कमिंग ऑन दी अदर साइड अगर मैं ये साइड पे आके देखूँ, अब ये वाली सीट आगे की तरफ स्लाइड है तो देखिए मेरे पास इतना नी रूम मुझे मिल जाता है। सो अब ये लास्ट रो गुड फॉर द चिल्ड्रंस आई वुड से, गुड फॉर द किड्स। सो यहाँ पे आपको एसी का नॉब मिल जाता है जो आपके यहाँ पे सी पिलर पे इंटीग्रेटेड है, बहुत ही स्मार्ट जगह पे दिया है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे दो और यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं आपको, सो गाड़ी में टोटल 7 यूएसबी पोर्ट्स आते हैं, आई मीन दैट इज ब्रिलियंट। एंड एक 12 वी का चार्जिंग सॉकेट, ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, ये कुछ कैबिन का व्यू है। देन यहाँ पे गाइज आपको आई मीन डेफिनेटली इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा बिकॉज गाड़ी की ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज की है, कुछ स्पेस है दोनों साइड पे, आप अपना मोबाइल फोन या वाटर बॉटल कुछ भी रख सकते हैं। सो ये था रिगार्डिंग दिस वन। अब हेडरूम देखिए एक बार आप मेरा, सो गाइज आपने जस्ट अभी हेडरूम देखा, आई मीन वो काफी अच्छा हेडरूम भी मुझे मिल जाता है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द थर्ड रो आपको मिल जाता है, विच इज रियली गुड पार्ट बिकॉज बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती है जो लास्ट चीज में कॉस्ट कटिंग कर ही देती है, बट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी जगह मिल रहे हैं, बस मिडल रो में बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको नहीं मिलता। सो सिंपली आप उस लिवर को पुल कीजिए, पूरी सीट आगे चली जाएगी। अब बाहर चल के देखते हैं। सो इंग्रेस एंड एग्रेस इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको यू नो डिफिकल्टीज होगा, बट एक बार आप यूज्ड टू हो जाएंगे आई मीन फिर कोई तकलीफ नहीं होनी आपको। सो एक मिनट जस्ट मैं इसको पीछे कर देता हूँ। यस एंड ऑल्सो गाइज और एक चीज़, आपको चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं इस गाड़ी में, आप देख सकते हैं 40 साइड स्प्लिट में आपको ये चीज़ दी गई है। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग मिडल ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें 6 वेरियंट्स आते हैं, अगर आपको वेरियंट वाइज फीचर जानने हैं मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नीचे पहली ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। सो गाइज ये था रिगार्डिंग द टाटा सफारी। अब अगर मैं इसकी लॉन्च की बात करूँ, प्राइजिंग लॉन्च वो 22 तारीख को होगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप 22 तारीख के बाद देख रहे हैं तो आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में गाइज प्राइजिंग मिल जाएगी ऑन रोड विद प्राइस ब्रेकअप के साथ, मैं मेंशन कर दूंगा। 30,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है इसका, थैंक्स टू पुनीत ऑटोमोबाइल्स, नंबर्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज कैसा लगा वीडियो आपको, थोड़ा लंबा था मैं जानता हूँ, अभी कोई भी सवाल है आप लिखिए नीचे, नहीं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। सो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड यस लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है। बाय गाइज।